हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनुज किचन वेज रेसिपी। आज हम बनाएंगे आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, जो नॉर्मली घर पे बनता है लेकिन कुछ अलग तरीके से। मैंने आलू को चॉप कर लिया है और गोभी को भी छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। गैस पे एक पैन रखेंगे और पैन में हम लगभग 2 बड़ा चम्मच तेल गरम करेंगे। इसमें हम गोभी को पहले फ्राई करेंगे। इन्हें हमें बस हल्का फ्राई करना है, थोड़ी देर हम ढक के इन्हें फ्राई कर लेंगे। जब ये हल्का गोल्डन हो जाए तो इसमें हम आलू भी ऐड करेंगे, पर पहले हम गोभी को हल्का गोल्डन कर लेंगे। अभी ये हल्का गोल्डन हो चुका है, आलू को भी हम ऐड कर लेंगे। आलू ना बहुत छोटा रहेगा ना बहुत बड़ा रहेगा, और बस इन्हें हमें अच्छे से चलाते हुए भूनना है। गैस को हाई फ्लेम पे करना है और पहले इन्हें बिना ढके हमें भूनना है, फिर इन्हें हम कवर करके हाई फ्लेम पे भूनेंगे। गोभी हमारी बहुत अच्छे से भुन चुकी है, इसलिए हम गोभी को पहले निकाल लेंगे और आलू को थोड़ा देर और कुक करेंगे, जैसे आलू हमारा अच्छे से हो जाए। लगभग 80 से 85% तक कुक कर लेना है। आलू भी हमारी लगभग हो चुकी है, इसे भी हम निकालेंगे। हमें कई बर्तन में नहीं निकालना है, जिसमें आप गोभी निकाले हैं उसी में आप आलू भी निकाल सकते हैं। इनको करेंगे हम साइड में, और उसी पैन में जो ऑयल बचा है उसमें हम थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे। इसमें चॉप किया हुआ हरी मिर्च ऐड करेंगे, आपको जितना तीखा पसंद हो उतना ले सकते हैं। थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा हम हरी मिर्च दोनों चॉप करके हम लेंगे और इन्हें हल्का फ्राई करेंगे। और जब ये भून जाए तो इसमें हम आधा चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। आप अगर प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। आप अदरक और हरी मिर्च को भुनने के बाद सीधे टमाटर ऐड कर सकते हैं। हम 3 चॉप किया हुआ टमाटर लेंगे, 3 से 4। टमाटर हमारा खट्टी नहीं होनी चाहिए, अगर आपके टमाटर खट्टी है तो उसमें थोड़ा सा चीनी ऐड कर लें। इसमें थोड़ा सा स्वाद के अनुसार हम नमक ऐड करेंगे, और टमाटर को हमें बहुत सॉफ्ट होने तक भुनना है। और जब टमाटर हमारा सॉफ्ट होके भुन जाए तो इसमें 1 चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम अमचूर पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। बस मसाले हमें इतने ही ऐड करने हैं। आप चाहो तो सिर्फ हल्दी ऐड कर सकते हो। आपको बिल्कुल अगर सिंपल में खाना हो तो आप सिर्फ हल्दी ऐड कर सकते हैं। इन्हें बहुत अच्छे से भुनने के बाद, टमाटर को भुन जाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा मटर भी ऐड कर लेंगे। आप अगर मटर नहीं खाना चाहते हो तो मटर को भी आप स्किप कर सकते हो, सिर्फ हमारा ग्रेवी भुनेगा। मटर भी हमारा भुन चुका है। इसमें हम 1 कप भर के दही ऐड करेंगे। दही हमारी फेटी हुई होनी चाहिए और गैस हमारा बिल्कुल लो फ्लेम पे रहना चाहिए। चूँकि मेरे पास गाय के दूध का दही था तो थोड़ा पतला है, आप थिक कंसिस्टेंसी वाली दही लीजिए, बहुत टेस्टी बनता है उससे। अभी इसे हम थोड़े देर ढक के कुक करेंगे। जब इसमें से ऑयल रिलीज होने लगे गैस को करेंगे लो फ्लेम पे और अपनी फ्राई की हुई सब्ज़ी को ऐड करेंगे, आलू गोभी को। और गैस को लो फ्लेम पे ही रख के हमें बहुत अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेना है ग्रेवी से। चलाते हुए हमें धीरे धीरे मिक्स कर लेना है। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर लेंगे।
जिससे सब्जी में चार चांद लग जाएगा। और इसे ढक के बस ज़्यादा नहीं, हमें 3 से 4 मिनट कुक करना है, गैस को हमें मीडियम फ्लेम पे ही करके। अब ये पूरी तरीके से कुक हो चुका है, इसमें हम कटी हुई धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। अब गैस को कर देंगे ऑफ। आलू गोभी मटर की सब्ज़ी हमारी तैयार है। तो कैसी लगी मेरी ये रेसिपी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल से जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।